वेलकम बैक टू माय चैनल लकी फैशन वर्ल्ड। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड उससे भी ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं मस्ट हैव इंडियन ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि आपके इंडियन कलेक्शन में, ज्वेलरी कलेक्शन में होना ही चाहिए किसी भी वेडिंग्स के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्वेलरी खरीदना पसंद नहीं है, उन लोगों को जो भी आज हम पीस बताएंगे, कुछ 5-6-7 पीस आप लोगों को हम बताएंगे जो मस्ट हैव है, जो कि आप लोगों के इंडियन ज्वेलरी कलेक्शन में होना ही चाहिए। यदि वो आपके पास है देन फिर आप सॉर्टेड है किसी भी तरह के इंडियन आउटफिट को कैरी करने के लिए, साड़ी, लहंगा या फिर सूट। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे 5-6 कैटेगरी, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है नेकलेस का। तो नेकलेस हर किसी के पास होना ही चाहिए, जैसे कि कुंदन में हो या फिर पर्ल में हो। तो सबसे फर्स्ट है ये, आप देख सकते हैं कुंदन में ये वाला हैवी सा नेकलेस, जो कि हर किसी के कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। तो इसके साथ आपको टीका भी आता है, देन इयररिंग्स भी आता है। तो यदि इस टाइप का आपके पास एक सेट है तो फिर आप इसको इंडिविजुअल भी वेयर कर सकते हैं लहंगे के साथ। यदि आपको हैवी लुक चाहिए तो आप इसके इयररिंग, मांटिका के साथ सब कुछ कंप्लीट हैवी लुक दे सकते हैं इसको वेयर करके। तो आप इसको सिंगल साड़ी के साथ, देन सूट के साथ। यदि आपको लाइट लुक चाहिए तो फिर आप इसके सिर्फ इयररिंग्स को वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का एक कुंदन नेकलेस हर किसी के पास जरूर होना चाहिए। एक नेकलेस है देन आप हर एक इंडियन आउटफिट के लिए सॉर्टेड है। तो इस तरह का आप एक कुंदन नेकलेस जरूर खरीदे हैवी में। इसके साथ आपको इयररिंग्स, देन मांगटीका वगैरह भी आ जाएगा। तो ये भी आप इसको इंडिविजुअल भी वेयर कर सकते हैं। इस तरह का कुछ मांगटीका है, देन ऐसा इयररिंग्स है। तो ऐसा एक सेट आप जरूर बाय करके रखें। देन नेकलेस के कैटेगरी में ही एक हम आप लोग के साथ और शेयर करेंगे, जो कि है थोड़ा सा लॉन्ग नेकलेस में। तो आप इस तरह के लॉन्ग नेकलेस में भी जरूर इन्वेस्ट करें। इस तरह का, ताकि यदि कुछ आपको, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं ज्वेलरी में। जैसे कि आपको नेकलेस बाय करना है तो यदि आपको चोकर नेकलेस पहनना पसंद है तो आप कुछ इस तरह का भी कुंदन में चोकर नेकलेस देन पर्ल में वेयर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। देन आप उस तरह का, जैसा हम आप लोग को दिखाएं वैसे हैवी में भी बाय कर सकते हैं। एक हैवी होना ही चाहिए। देन एक ग्रीन कलर, ये ग्रीन और गोल्डन ऐसा कलर है जो कि हर एक आउटफिट के साथ जाता है। गोल्डन कलर तो ऐसा है कि हमारे इंडियन के हर एक आउटफिट में वो गोल्डन होता ही है, तो वो मस्ट हैवी हो जाता ही है। और एक ऐसा ग्रीन भी आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में आप चाहे तो पर्ल भी बाय कर सकते हैं। यदि आप, आपकी रिक्वेस्ट हो तो हम आप लोग को पे के लिए एक और वीडियो बना देंगे, जैसे कि नेकलेस में कौन कौन से कैटेगरी होनी चाहिए। तो फिलहाल फर्स्ट कैटेगरी था हमारा नेकलेस, जो कि आपके पास जरूर होना चाहिए। हमारा सेकंड कैटेगरी है कड़ा, यानी कि मोटा मोटा ऐसा कड़ा बैंगल्स होना चाहिए आपके पास, इस टाइप में पर्ल में या फिर इस तरह के कुंदन में, जैसा आप बाई करना चाहो। यदि आप ये भी बाई कर लो और कभी आपके पास फिर सेकंड टाइम मौका मिले तो ये भी बाई कर लो। आपके पास ये दोनों है देन आप किसी भी तरह के मल्टीपल, जैसे कि कोई भी आउटफिट पहन रहे हो, सेम इस कड़े के साथ मिक्स एंड मैच करके किसी भी तरह के वॉलवेट बैंगल्स को, देन मेटल बैंगल्स को, देन कांच की चूड़ी को, किसी को भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह के कड़े हैं तो देन आप सॉर्टेड हैं फिर अपने बैंगल्स कलेक्शन में। आप इस तरह का कलेक्शन अपने कलेक्शन में, इस तरह के बैंगल्स को, कड़ा को जरूर ऐड कीजिए। और इसमें रेड और मरून और ग्रीन है तो ये आपके हर एक आउटफिट के साथ जाएगा। तो आप अपने कलेक्शन में इस तरह का जरूर ऐड कीजिए कुछ कड़ाज। जरूरी नहीं कि सिमिलर ऐसा ही कड़ा आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है, कुछ और भी बहुत सारे ऑनलाइन में बहुत सारा आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, देन मीशो पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको जो पसंद आए वो आप अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आप उसके में मिक्स और मैच करके कैसे भी अपना एक सेट रेडी कर सकें। तो थर्ड कैटेगरी है मांगटीका। एक स्टेटमेंट मांगटीका अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट मांगटीका। यदि आपको ज्यादा कुछ एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है या फिर वो आपका स्टाइल नहीं, आप ज्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, तो एक मांगटीका जरूर रखिए। यदि आप अपने किसी भी आउटफिट के साथ साड़ी पहने हो या फिर लहंगा या फिर सूट, किसी भी आउटफिट के साथ यदि इस तरह का स्टेटमेंट मांगटीका वेयर कर लेते हैं, देन एक छोटा सा इयररिंग्स पहनते हैं, यदि नहीं माने तो उसको भी स्किप कर सकते हैं, नेकलेस भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मांगटीका से आपका लुक बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा, बहुत ज्यादा जैजअप हो जाएगा और एकदम ड्रेसी टाइप का लुक आएगा, काफी ग्लैमरस लुक आता है, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। तो आप इस तरीके से एक स्टेटमेंट मांगटीका अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए। या फिर आपको वैसा माथा पट्टी वाला ऐड करना है, वो मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल,
तो माथा पट्टी टाइप का भी आप मांग टीका ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शन में माथा पट्टी, देन इस तरह का एक स्टेटमेंट मांग टीका भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड कैटेगरी, एक मांग टीका जरूर अपने कलेक्शन में रखिए। तो हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट मांग टीका की, तो फिर हम लोग स्टेटमेंट फिंगर रिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो आप अपने कलेक्शन में, पूरे ज्वेलरी कलेक्शन में एक स्टेटमेंट फिंगर रिंग जरूर रखें। ये गोल्डन कलर में कुछ इस तरह का है, तो ये भी आपको किसी भी जो भी हम आपको ज्वेलरी आइटम दिखा रहे हैं वो सब का आपको जरूरी नहीं कि आप सिमिलर ही बाई करें, पर उस तरह का हम आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं ताकि आपको इस तरह का कुछ बाई करना है तो जरूरी नहीं कि सिमिलर डिज़ाइन और सिमिलर आपको पॉल में ही या फिर जो हम डिज़ाइन दिखा रहे हैं वही बाई करना है, वैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको जो पसंद आए उस कैटेगरी में उस टाइप का आप सिमिलर कुछ भी बाई कर सकते हैं, जैसे नेकलेस में कुंदन नेकलेस है भी आपको जो भी पसंद आए, या फिर लॉन्ग लॉन्ग नेकलेस में, देन कड़ा में आपको जो कड़ा पसंद आए, माथा पट्टी पसंद आए, आपको मांग टीका पसंद आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको हम एक आइडिया दे रहे हैं कि आपके कलेक्शन में ये जरूर होना चाहिए, जैसे कि ये फिंगर रिंग, ये ऐसा है ये कि मस्ट हैव है, हम आपको जो बता दे रहे हैं, जैसे कि ये गोल्डन कलर, तो ये सबके साथ जाएगा, जो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं वो सबके साथ जाएगा। यदि आपको कुछ बाई करना है, जैसे कि एक ही बाई करना है नेकलेस, यदि आप कोई पर्टिकुलर किसी कलर में बाई कर लेते हैं जैसे रेड में ब्लैक में, तो वो फिर आप मल्टी कलर में से हर एक आउटफिट में वर्सटाइल नहीं हो पाएगा, हर एक आउटफिट के साथ आप उसको वेयर नहीं कर पाएगा। बट ये जो है गोल्डन कलर में, तो ये आपके हर एक आउटफिट के साथ जाएगा, जैसे कि ये गोल्डन रिंग, तो एक फिंगर रिंग तो जरूर होना चाहिए आपके कलेक्शन में, क्योंकि ये है स्टेटमेंट फिंगर रिंग, तो ये भी आपके किसी भी लुक के साथ हर एक आउटफिट के साथ बहुत ही परफेक्टली मैच कर जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं किसी भी सूट के साथ, किसी भी ज्वेलरी के साथ। अभी ये इसके साथ भी कितना प्यारा लग रहा है, आपको कुछ नहीं पहनना, आप छोटा सा इयररिंग्स पहनिए, यदि आप नेकलेस भी स्किप कर देते हैं, देन फिंगर रिंग्स पहन लेते हैं बस, और कड़ा वगैरह पहन लेते हैं, यदि कड़ा नहीं पहनना सिर्फ स्टेटमेंट रिंग पहन लेते हैं तो आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फिंगर रिंग आपने इंडियन कलेक्शन में जरूर ऐड करें, वो भी स्टेटमेंट फिंगर रिंग, कुछ इस तरह आपको हर एक साइट पे इजीली मिल जाएगा। इसलिए हम किसी का भी लिंक और कोड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको Amazon, Flipkart और मीशो सब पे ये सब अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इयर रिंग्स, स्टेटमेंट इयर रिंग्स आपके पास जरूर होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का स्टेटमेंट इयर रिंग्स जो कि आपके किसी भी लुक को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बना देगा। आपको कुछ नहीं पहनना, हम इसके साथ भी सिर्फ इयर रिंग पहन लेते हैं, देन इस आउटफिट के साथ ये नेकलेस नहीं पहनते, काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा लुक आता। देन आपको किसी के साथ भी, यदि आपको ज़्यादा हैवी ज़्यादा एक्सेसराइज करना पसंद नहीं है, तो आप नेकलेस स्किप कर दीजिए, मांग टीका स्किप कर दीजिए, सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स को पहन लीजिए, काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा सा आपका लुक आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही इंक्लूड अपने कलेक्शन में इंक्लूड करें, ऐसा भी आप ले सकते हैं झुमकी में। देन आप इस तरह से चांद वाली में भी अपने पास स्टेटमेंट इयर रिंग्स का कलेक्शन रख सकते हैं, कुछ इस तरह का। बट अपने कलेक्शन में एक स्टेटमेंट इयर रिंग्स तो जरूर ऐड कीजिए। हम सोच रहे हैं कि इयर रिंग्स कलेक्शन पे भी वीडियो बनाए, जो कि आपके पास मस्ट हैव होना चाहिए, जो कि 5-6 पीसेज ऐसा है। तो फिलहाल तो आप ऐसा कुछ जरूर अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए, मस्ट हैव है, ताकि आपके वेडिंग सीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि कुछ ना समझ आए तो बस स्टेटमेंट इयर रिंग्स लगाइए, किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कीजिए, देन आप रेडी हैं किसी भी फंक्शन और किसी भी वेडिंग और किसी भी फेस्टिवल का अटेंड करने के लिए। तो अपने कलेक्शन में आप स्टेटमेंट इयर रिंग जरूर ऐड कीजिए। बात हो रही है यहाँ पे इयर रिंग्स की, तो एक और इयर रिंग्स के कैटेगरी का ही हम आपको बता रहे हैं, मस्ट हैव पीस है, आपको जरूर ये हेल्पफुल करेगा आपके किसी भी लुक को, मतलब आप अपने कलेक्शन में जरूर ऐड कर लीजिए, ये आपको जरूर हेल्प में मतलब यूज में आएगा। तो ये है कुछ इस तरह का इयर रिंग्स का, जो इसको क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं या फिर ताना क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट, बट ये आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए, मस्ट हैव पीस है, इसको तो आप जरूर अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए। क्योंकि यदि आपके पास छोटा सा इयर रिंग्स है, कोई भी इयर रिंग्स है सिंपल सा, ये हर एक इयर रिंग्स के साथ फिट आ जाता है, इसको आप हर एक इयर रिंग्स के साथ अटैच कर देते हैं, ये डिटैचेबल है, इसको इस इयर रिंग्स के साथ भी अटैच करके हम ऐसे पहन सकते हैं। तो बस आपको किसी भी इयर रिंग्स के, यहाँ पे इस तरह का आपको लुक दिया हुआ है, किसी भी इयर रिंग्स के बैक साइड के जो पोर्शन में है उसको इन करना है, देन आपको उसका वो नॉब लगा देना है। 6 पीसेज हैं जो कि आपको अपने कलेक्शन में जरूर रखना चाहिए, तो ये तो आप जरूर ही बाई कर लीजिए, ताकि इससे आपका कोई भी इयर रिंग है जो कि हैवी लुक में आ जाए इंस्टेंट। तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एक वेस्ट चैन का, जी हाँ वेस्ट चैन का,
तो आपके कलेक्शन में एक वेस्ट चेन जरूर होना चाहिए जिसे कहते हैं कमरबंद। तो कुछ इस तरह का स्लीक सा आप देख सकते हैं, ऐसा वेस्ट चेन एक जरूर ले सकते हैं आप। ये आपके हर एक आउटफिट के साथ जाएगा। आप इसको सूट के साथ एज ए दुपट्टा को टाई करने के लिए वेयर कर सकते हैं, देन साड़ी के पल्लू को एडजस्ट करने के लिए, देन लहंगा के दुपट्टा को एडजस्ट करने के लिए आप इसको लगाइए। बहुत ही स्लीक और बहुत ही प्यारा सा है। तो आपको अपने कलेक्शन में एक कमरबंद ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप एक ऐसा बाई कर लेते हैं तो ये आपके हर एक आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा है। सिंपल सा आप ऐड करिए तो ये फिर आप कभी भी पहन सकते हैं। एज अ वेडिंग गेस्ट भी आप इसको पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो फिर आप कॉन्शियस होते हैं इसको वेयर करने में कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बट ये बहुत ही स्लीक और बहुत ही अच्छा सा है। तो कुछ इस तरह का एक आपने मतलब बहुत सारा वेराइटी अवेलेबल है ऑनलाइन में, तो आपको ऐसे में भी मिल जाएगा। देन इससे भी पतला और इससे थोड़ा सा चौड़ा, आपको जिस अकॉर्डिंग आप अपने पहनने में कंफर्टेबल हैं उस अकॉर्डिंग आप अपने लिए अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो एक वेस्ट चेन आपके कलेक्शन में जरूर होना चाहिए। जो हमारा कैटेगरी है वो हम सोचे ये भी इंक्लूड कर देते हैं। यदि आपके पास एक होगा तो बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। जिन लोगों को पायल पहनना पसंद है, यदि आप रेगुलर पायल नहीं भी पहनते हैं किसी वेडिंग में या फिर किसी फेस्टिवल में आपको पहनना है, तो आप ये इस तरह का कुछ पायल ले सकते हैं। जिन लोगों को सिल्वर पायल नहीं पहनना है, कुछ इस तरह का एंकलेट अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर में है तो ये भी हर एक आउटफिट के साथ जाता है। ग्रीन एंड गोल्डन ऐसा है जो कि हर एक कलर के आउटफिट के साथ, मैक्सिमम आउटफिट के साथ गोल्डन तो चला ही जाता है, ग्रीन भी मैक्सिमम के साथ जाता है। तो इस तरह का एक आप अपने कलेक्शन में पायल या फिर एंकलेट कुछ भी बोल सकते हैं, ये आप अपने कलेक्शन में एक जरूर ऐड कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारा डिज़ाइन मिल जाएगा। ये हम ऑफलाइन बाई किए थे, बाकी सब जो है वो ऑनलाइन बाई किए हैं। तो आप इस तरह का आप यदि पतले में भी ले सकते हैं, इसे चौले में भी ले सकते हैं, जैसे आप पहनने में कंफर्टेबल है उस तरह का आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो कैटेगरी था वो था ये पायल का कैटेगरी। तो ऑनलाइन में भी इसका बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर बाय कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, अभी वेडिंग सीजन भी आने वाले हैं, देन फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को कुछ एक आइडिया दे दिया जाए मस्ट हैव पीसेस का। जिन लोगों को भी अभी ज्वेलरी बाय करना है उन लोगों के लिए एक आइडियाज मिल जाए, ताकि वो कुछ ऐसे ही वेस्ट बाय ना करें, अपने पैसे को वेस्ट ना करें। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियोस देखने को मिले। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके और आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन को किसी इस तरह से बिल्डअप कीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी वर्सेटाइल रहे। कुछ कोई भी आपका ज्वेलरी पीस खरीद के फिर बाय करके देन रखा ना रहे, यूज़ हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा इस वेडिंग सीजन, यदि आप कुछ भी बाई करने वाले हैं ज्वेलरी पीसेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।